subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan, 8th standard 3.3 truth. Let's begin. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए. 3.3 ट्रुथ, इसके चिटचैट की एक्टिविटीज़ लेंगे. डू वी स्पीक द ट्रुथ ऑल टाइम, क्या हम हमेशा सच बोलते हैं? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू स्पीक द ट्रुथ, बट एट सर्टन टाइम्स आई डू स्पीक लाइज, यानी बाज़ अवकात झूठ भी निकल जाता है. व्हाई डू वी टेल लाइज, हम झूठ क्यों बोलते हैं? Sometimes we tell lies to hide the truth out of fear. Sometimes we also tell lies to praise someone. कभी खौफ के मारे, कभी किसी की झूठी तारीफ करने के लिए हम झूठ बोल देते हैं. How can words hurt someone? यानी अल्फाज से किसी को कैसे तकलीफ हो सकती है, यानी अल्फाज कैसे किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं. Words that we use hurt someone emotions if they are not used carefully. यानी सही तरीके से तवज्जो से अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया तो अल्फाज दूसरों को दिल आज़ारी के लिए भी मौरिद इल्ज़ाम हो जाते हैं, यानी किसी के दिल को बुरा लगने के जैसा भी काम करते हैं. वाई शुड वी टेक केयर ऑफ़ यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, बोलते वक्त हमें सही अल्फाज इस्तेमाल करने में क्या एहतियात बरतनी के चाहिए. वर्ड्स नॉट यूज प्रॉपरली में हर्ट अदर पर्सन सेंटिमेंट्स इमोशंस, यानी दूसरों के जज्बात को ठेस पहुँचती है. To avoid such situation, we should take care of only using proper words while speaking. यानी हमने सही अल्फाज का चुनना है बात करते वक्त. How do we break relationships? हम रिश्तेदारी को किस तरह तोड़ते हैं? We break relationships by using bad words to each other. Sometimes we also break it by telling lies, by hurting emotions and sometimes sentiments of our loved ones. हम क्या करते हैं, बाज़ अवकात झूठ बोलकर या किसी के जज्बात को ठेस पहुँचा कर हम अपने जो अज़ा है, महबूब लोग हैं, उनसे अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं ट्रुथ. ट्रुथ यानी कि सच्चाई. अब सच्चाई क्या है, इसे तो जानना ही पड़ेगा. चलिए शुरुआत करते हैं. व्हाट इज़ द ट्रुथ? स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स. स्टिक्स एंड स्टोन्स यानी लकड़ियाँ और पत्थर क्या करते हैं, मेरी हड्डियाँ तोड़ देते हैं. कौन कह रहा है, यहाँ पर पोएट कह रहा है. स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी, लेकिन अल्फाज भी मुझे क्या करते हैं, हर्ट करते हैं, तकलीफ देते हैं. स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन, यानी पत्थर और लकड़ियों से तो सिर्फ स्किन टूटती है. वाइल वर्ड्स आर घोस्ट डैट हॉन्ट मी, लेकिन अल्फाज तो वो भूत है जो मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं. स्लैंट एंड कर्व द फॉल वर्ड स्वॉर्ड्स फ्लॉन्ट. स्लैंट क्या है, यानी तिरछा ढलवान, स्लोप जो होता है उसे कहते हैं. स्लैंट एंड कर्व द फॉल वर्ड्स वो स्वॉर्ड्स, अब ये अल्फाज ऐसे गिरते हैं जैसे कि तलवार की धार के जैसे गिर रहे हैं. टू पियर्स एंड स्टिक इन साइड मी, पियर्स यानी वो छेद कर देते हैं, सुराख बना देते हैं, घुस जाते हैं, वो घुस कर मेरे अंदर घुस जाते हैं अल्फाज, और कहाँ घुसते हैं, दिल में. बैट्स एंड ब्रिक्स में एच थ्रू बोन्स, बैट्स एंड ब्रिक्स में एच थ्रू बोन्स, और ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर है तो घुस रहे हैं, किसी चिमगादड़ की तरह काट रहे हैं, या फिर किसी ईंटों की तरह वो अंदर एक अपना घर बना रहे हैं, हड्डियों के अंदर तक घुस जा रहे हैं. बट वर्ड्स कैन मॉर्टिफाई मी, लेकिन अल्फाज क्या कर रहे हैं, मॉर्टिफाइड, मॉर्टिफाई यानी नीचा दिखाना, जलील कर रहे हैं मुझे. वर्ड्स क्या कर रहे हैं, मॉर्टिफाई कर रहे हैं मुझे, जलील कर रहे हैं. पेन फ्रॉम वर्ड्स डैट हैज़ लेफ्ट इट्स स्कार, यानी अल्फाज से क्या होता है, मुझे दर्द होता है. लेफ्ट इट्स स्कार, उसने अपने क्या अपने निशान छोड़ा है. स्कार या जख्म के निशान को कहते हैं. ऑन माइंड एंड हार्ट डैट्स टेंडर, और वो क्या करता है, ऑन माइंड एंड हार्ट डैट्स टेंडर, वो बहुत ही टेंडर यानी नर्म नाजुक है, मेरे जहन और दिल पर भी वार करते हैं. कट्स एंड ब्रूजेस नाउ हैव हील्ड, कट्स एंड ब्रूजेस यानी जो कट है और कट जाना, ब्रूजेस और ज़ख्म हो जाना, नाउ हैव हील्ड, अब वो भर रहे हैं.
इट्स वर्ड्स डैट आई रिमेम्बर। अगर ज़ख्म हो जाए मार के तो वो तो भर जाते हैं, लेकिन जो दिल पे ज़ख्म होते हैं वो नहीं भरते। इसीलिए यहाँ पर बैरी वेड ने इसको बयान किया है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।